नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मैनपुरी के एसडीएम निरीक्षण के लिए गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी घिरोर को समिति का अध्यक्ष, पशु चिकित्सा अधिकारियों और खंड विकास अधिकारी घिरोर को सदस्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला की अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि शनिवार को जिलाधिकारी मैनपुरी के द्वारा गौशालाओं की देखरेख के लिए समिति का गठन किया गया था। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी अनिल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आज यानी कि सोमवार को एक संयुक्त खाता खुलवाया जाएगा। इसके साथ ही समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील भी की जाएगी। ये जो नगर पंचायत के द्वारा संचालित है गौशाला, और इसमें नगर पंचायत को ही व्यवस्था करनी है, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए ग्राहक हम तीन लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें हम अध्यक्ष हैं और दो लोग सदस्य हैं, BDO साहब सदस्य हैं और ये पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य। तीनों के संयुक्त खाता जो है खुल जाएगा सोमवार को। उस संयुक्त खाते में जो क्षेत्र के लोग डोनेट करना चाहते हैं या जो सरकारी पैसा आएगा उसमें डाला जाएगा, और उसी से चारा और चोकर आदि की व्यवस्था की जाएगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।